सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है मेरे सामने दी ऑल न्यू 2020 निसान किक्स 1.3 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन के साथ में। इंडियन मार्केट में कंपनी ने इस गाड़ी को काफ़ी टाइम पहले लॉन्च कर दिया था, बट मेरे पास में टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों को इस गाड़ी को एक बार ड्राइव करके अच्छे से बता पाऊँ। बट गाड़ी तो आप लोगों ने देखी होगी, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक क्विक वॉक अराउंड रिव्यू कर लेता हूँ। चूँकि ये टॉप एंड वेरियंट नहीं है और ना ही ये सेकेंड टॉप वेरियंट है, ये थर्ड वेरियंट है। इसके अंदर एक्स वी प्री ऑप्शनल आता है, तो ये एक्स वी वेरियंट है। तो शायद काइंड ऑफ वैल्यू फॉर मनी वेरियंट आप लोगों के लिए जो है ये हो सकता है। तो कैसे होता है चलिए समझते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी का जो है फ्रंट लुक ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर LED डे टाइम रनिंग लाइट्स आती है, साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को जो है नॉर्मल हैलोजन लैंप मिलते हैं, हाई बीम हो चाहे लो बीम हो, यहीं पर टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर आपको फॉग लैम्प मिल जाते हैं, अगेन ये भी हैलोजन के अंदर ही है। फ्रंट में स्कीड प्लेट मिल जाती है, यहाँ पर भी अगेन क्रोम ट्रीटमेंट यूज़ करा है। और जो ये फ्रंट ग्रिल आप लोग देख सकते हैं, निसान का काफ़ी बड़ा लोगो यहाँ पर लगाया गया है, अगेन क्रोम, और ये थोड़ा सा जो है सिग्नेचर डिज़ाइन यहाँ पर देने की कोशिश करी है। तो जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी मस्कुलर लगता है और दिखने में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। और बोनेट जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो क्रीज चल रही है ये इसको काफ़ी ज़्यादा जो है स्पोर्टी अपील देती है। और यहाँ पर जो है हेडलाइट का पोस्चर यहाँ से ऊपर से देखने में थोड़ा सा जो है बोल सकते हैं ना कि काफ़ी बोल्डिश या बोल सकते हैं कि मतलब मस्कुलर यहाँ पर लगता है। यहाँ पर टू प्लेट जो है आप लोगों को ये वाइपर ब्लेड मिलती है, यहाँ पर वॉशर भी जो है वो दो दिए हुए हैं। दूर से देखते हैं तो साइड लुक यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ये क्रॉसओवरिश डिज़ाइन वाली SUV है जिसका ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm है, जिसकी वजह से ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ की काफ़ी बढ़ जाती है। ख़राब रास्तों में आराम से आप इसको लेके जा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो आएगी नहीं, आराम से बड़े बड़े जो गड्ढे वगैरह हैं वहाँ से आप निकल सकते हैं। क्योंकि इसके सस्पेंशन जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, वो चीज़ मैंने BS4 वाले वेरियंट में एक्सपीरियंस करा था और वो चीज़ अभी भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बिकॉज अभी और पहले से इम्प्रूव ही हुआ है, ख़राब कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपोलो के टायर लगे हुए हैं और 215/60R17 टायर है, और ये डेमो व्हीकल है। एक्चुअली में इसकी कंडीशन जो है थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि सर्विसिंग वगैरह टाइम पे हो नहीं पाती है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो निसान का यहाँ पर लोगो लगा हुआ होता है, दैट्स ऑल। बाकी व्हील आर्चेस देख सकते हैं, ये बॉडी को जो है और ज़्यादा SUV स्टैंड प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर भी जो है साइड प्रोटेक्टर दिए गए हैं, जिससे कि अगर कहीं गाड़ी नीचे की साइड टच भी होती है तो बॉडी को डैमेज ना आएगा, यहीं पर ये जो पार्ट है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। और डोर माउंटेड यहाँ पर ORVM दिए गए हैं, इन पर टर्न इंडिकेटर्स हैं, और थोड़ा सा जो ये कलर है एंड बॉडी कलर जो है यहाँ पे आपको ये ORVM मिलते हैं। तो अब चलते हैं, ए पिलर और बी पिलर जो है वो दोनों ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में, और यहाँ पर ये जो पोर्शन है वो देख सकते हैं पीछे की साइड में जाके स्वैप्ट अप होता है। ऊपर यहाँ पर ये रूफ रेल्स दी गई हैं और इनकी जो फिनिश है वो काफ़ी अच्छी है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना भी अगेन मिल जाता है इसके अंदर, देन अगेन इसको जो है ये स्पॉयलर मिलता है, तो इसका लुक और ज़्यादा प्रीमियम बनाता है। इस जो पूरा जो सेगमेंट है उसके अंदर यही एक ऐसी गाड़ी है जिसका जो रियर वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा ऐसा स्लाइड होकर पीछे जाता है, इसका एरोडायनेमिक को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। दैट्स ऑल। अब चलते हैं और देखते हैं रियर डिज़ाइन। तो साइड से आप लोगों ने देखा इसकी पूरी डिज़ाइन को काफ़ी अच्छी लग रही है। किक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, निसान का लोगो अगेन, और ये जो निसान लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। वाइपर पीछे भी मिल जाता है, यहाँ पर वॉशर मिलता है, स्टॉप माउंट लैंप मिल जाता है, एंड ये नियो निसान से ली है मैंने गाड़ी आप लोगों को ताकि बता पाऊँ इस गाड़ी के बारे में। बाकी पीछे आपको यहाँ पर कैमरा मिलता है, ये देख सकते हैं कैमरा माउंट किया हुआ है, दैट्स अगेन। नीचे यहाँ पर आप लोगों को जो है चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और ये अगेन स्कीड प्लेट रिफ्लेक्टर्स यहाँ दिए गए हैं, और नीचे से देख सकते हैं तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है ये ऑल ओवर कैरी करती है। तो हर जगह से जो है वो दिखने में काफ़ी बोल्डी कैरेक्टर जो है इसके अंदर मिलते हैं। अब मैं आप लोगों को जो है इसका बूट जो है वो ओपन करके बता देता हूँ कि इसका जो बूट है वो किस तरह से ओपन होता है। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, काफ़ी ईजीली जो है हाइड्रोलिक स्ट्रट की मदद से ये ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये बूट स्पेस आपको मिलता है। स्पेयर टायर जो है वो नीचे की तरफ माउंट किया गया है, तो ये जो फ्लोर बोर्ड है वो काफ़ी ऊपर आ गया है, तो लगेज लेने में निकालने में आपको बिल्कुल भी जो है प्रॉब्लम आएगी नहीं। यहाँ पे आपको लाइट मिलती है, एंड एक ये मिल जाता है जहाँ पर अपने अगर आप कोई शॉपिंग वगैरह करके आ रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है उसे लगा सकते हैं, सामान को अपने लगेज को कैरी कर सकते हैं। ये पार्शल ट्रे है जिसको आप अटैच एंड डिटैच दोनों जो है वो यहीं से कर सकते हैं, ये काफ़ी आसान है। और ये भी काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पर अपनी मैगजीन वगैरह जो है वो आप काफ़ी अच्छे से आसानी से रख पाएंगे, दैट्स ऑल। और देख सकते हो जो बूट का ये डोर है, लीड है, ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है, जिसकी वजह से हर कोई इसे एक्सेस कर सकता है। जिसकी हाइट अगर कम भी है तो कोई उसको प्रॉब्लम आएगी नहीं। एंड टेल लैम्प जो है वो देखते हुए चलते हैं, यहाँ पर ये टेल लैम्प इस टाइप के दिए हुए हैं। अब चलते हैं पीछे की साइड में,
तो जो गेट है वो काफ़ी अच्छे खुलते हैं। आई थिंक ये चीज़ मैंने पहले भी नोटिस करी थी, आप लोगों को बोला था, अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, गेट की ओपनिंग काफ़ी अच्छी है जिसकी वजह से आराम से आप अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। बट गाड़ी की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो बुज़ुर्गों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट फिर भी जब वो अंदर बैठेंगे तो वो काफ़ी कंफर्टेबली इसके अंदर बैठ पाएंगे। अब यहाँ से देखते हुए चलें तो यहाँ पर सॉफ्ट टच मटीरियल है, यह सॉफ्ट टच मटीरियल बाकी हार्ड प्लास्टिक ही है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से जो है डोर हैंडल्स दिए गए हैं, पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, और ये थोड़ा सा ट्रीटमेंट इस टाइप से यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर स्पीकर्स जो है वो माउंट किए हुए हैं। अब सीट जो है वो यहीं से आप इसे ऐसे नीचे कर सकते हैं, ये हेडरेस्ट जो है वो टच हो रहे हैं, अदरवाइज ये पूरी जो है वो नीचे हो जाती है। चलो मैं आपको करके बता देता हूँ। तो कुछ ये इतनी जो है वो नीचे जा रही है जिसमें आप आराम से अपना लगेज वगैरह कैरी करके जा सकते हैं। मैं इसको वापस ऊपर करता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये आर्म रेस्ट मिलता है दो कप होल्डर के साथ में, इसको ऊपर करके वापस लगा देते हैं। और जो सीट का पूरा स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये अपन बैठते हैं वो बहुत ही सही है, बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। मैं अंदर आपके आप लोगों को बता देता हूँ। तो अब मैं अंदर आ गया हूँ। ये जो सीट है वो मैंने मेरी ड्राइवर सीट के अकॉर्डिंगली जो है वो एडजस्ट करी हुई है। नी रूम मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, लेग रूम काफ़ी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। एंड यहाँ पर ये जो नीचे आप हम्प देख रहे हैं ये भी इतना ज़्यादा नहीं है तो थर्ड पैसेंजर भी यहाँ पर आराम से बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। 12 वॉट का सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पर एसी वेंट्स मिलते हैं जिनकी ब्लोअर स्पीड जो है आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर आप लोगों को एक रीडिंग लैम्प मिल जाता है। यहाँ पर ये जो है डोर हैंडल दिया हुआ है, इधर भी ये जो है डोर हैंडल आपको मिलता है। साथ ही साथ पीछे जो है आपको ये हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं दो लोगों के लिए, थर्ड पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट डेडिकेटेड यहाँ पर सीट में इंटीग्रेटेड मिलता है। दैट्स ऑल पर मिलता है, ये चीज़ अच्छी है। आइसोफिक्स साइड माउंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप अगर चाहें तो उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो पीछे से जो किक्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हेडरूम वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे कहीं पर कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तीन लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं और आराम से सफ़र कर सकते हैं। बट ये ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है, थोड़ा सा अगर मतलब इसके अंदर मतलब बैच कलर ऐड किया जाता जैसे कि ऊपर रूफ में करा है तो वो अच्छी बात होती, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो ये विंडो का एरिया है ना ये काफ़ी बड़ा है तो आपको बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील तो इसके अंदर नहीं होगा। बट कुछ लोगों को थोड़ा सा डार्क जो है पसंद नहीं आता है तो वो जो है अपने अकॉर्डिंगली सीट का जो कवर वगैरह कुशनिंग वगैरह उसका कलर थोड़ा सा चेंज चूज कर सकते हैं, बैच कलर के जो है कवर्स लगा सकते हैं। तो ब्लैक एंड बैच इंटीरियर और ज़्यादा स्पोर्टी लगता है किक्स में, मैंने पर्सनली उसको देखा हुआ है, दैट्स व्हाई बता रहा हूँ। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे से जो निसान किक्स हैं वो किस टाइप से लग रही है। अब यहाँ से ये आगे जो है देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, ये अगेन डोर काफ़ी बड़ा ओपन होता है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अच्छे से। और अंदर यहाँ पर जो है ये सीट हाइट एडजस्ट करने के लिए कितना बड़ा ये दिया हुआ है जिससे आप सीट हाइट एडजस्ट करेंगे। डोर्स पे बताते हुए चलता हूँ तो यहाँ पे सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिलते हैं, मिरर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और साथ ही मैं जो है एक्चुअली लाइट को बंद कर देता हूँ, अदरवाइज बैटरी लोगी, दैट्स वाई। अब यहाँ से आप जो है ORVM को कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, दोनों मिरर्स जो हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। नीचे अगेन बॉटल होल्डर, थोड़ा सा स्पेस, स्पीकर की प्लेसिंग दी गई है। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं ये तीन पैडल दिए हुए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, कुछ अगर आपको सामान वगैरह रखना है आपका रख सकते हैं। ये ऑटो ऑन ऑफ का फीचर है, अगर गाड़ी कहीं आप खड़ी हो जाती है तो थोड़ी देर बाद में आइडल करते हुए बंद हो जाएगी, स्टार्ट स्टॉप फंक्शन जिसको बोलते हैं। ये लाइट जो है वो कम ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, यहाँ से आप जो है हेडलाइट लेवलर है इसका आप यूज़ कर सकते हैं। वहीं नीचे यहाँ पे जो है ये फ्यूल लीड ओपन करने के लिए दिया हुआ है और इस साइड में जो है ये बोनेट को ओपन करने के लिए बनाया हुआ है। बोनेट को ओपन करके मैं आपको इसका इंजन जो है वो एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है ये दिखने में कैसा लगता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इंसुलेशन प्लेट दी हुई है और यहीं पे ये 1.3 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है जो कि 156 PS की पावर 254 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ में प्रोड्यूस करता है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और साथ ही साथ CVT गेयरबॉक्स भी इसके अंदर अवेलेबल है, CVT एक्सट्रॉनिक जो गेयरबॉक्स निशान बोलती है। उधर देख सकते हैं एक इंसुलेशन प्लेट और लगाई गई है जिससे जो हीट वगैरह है वो उधर अंदर की तरफ केबिन में ना जाए। तो ये सभी बातें हैं, इधर बैटरी वगैरह लगाई हुई है, उधर कूलेंट वगैरह देख सकते हैं। तो इंजन जो है वो अच्छी तरीके से प्लेस करा हुआ है और काफ़ी पीछे की साइड है, मतलब उसके आगे ही देख सकते हो इतना एरिया जो है वो बचता है। एंड अगेन सभी जगह से जो थर्ड है वो काफ़ी अच्छी रहती है, बिल्ड क्वालिटी के मामले में बिल्कुल कहीं कंप्लेन नहीं की जा सकती है। अब अंदर से अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर बैठ के आपको क्या कुछ मिलता है, तो इधर जो है वो AC वेंट्स मिल जाते हैं ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के अंदर, यहाँ पर सिल्वर फिनिश। अगेन यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग ही काइंड ऑफ टेक्सचर मिलता है, ये कार्बन फाइबर फिनिश भी नहीं है, कुछ अलग भी नहीं है, तो थोड़ा सा जो भी है अलग है और ये सेटिस्फाई करता है, आपको अच्छी लगती है ये डिज़ाइन। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये देख सकते हैं इसका सीट पीछे करके बताता हूँ, स्टेयरिंग व्हील। तो सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में ये स्टेयरिंग व्हील आता है। एंड इस वेरिएंट में यहाँ पर आपको कोई कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलते हैं, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह यहाँ पर नहीं मिलता है।
की बताते हुए चलता हूँ, लॉक एंड अनलॉक ये दो बटन के साथ में ये की आती है जिसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है और ये सोर्स यहीं से जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब अगर आप देखेंगे थोड़ा सा बाहर की रीजन में जहाँ सऊदी अरब वगैरह इधर की गाड़ियाँ जहाँ बिकती है वहाँ पर ये जो है इस टाइप से दिया जाता है। वॉल्यूम के कंट्रोल्स वगैरह, रॉकर्स, सोर्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मोड यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैं आपको इधर से दिखाता हूँ फोकस। एंड यहाँ पर पीछे की साइड में ये जो है वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए भी ये ऐसा दिया हुआ है जिससे आप चैनल वगैरह जो है FM के चेंज कर सकते हैं। वो सारे फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसको जो है थोड़ा सा निसान को चेंज कर देना चाहिए था, BS6 में इसके अंदर ये अपडेट लेके आ जाना चाहिए था। बट फिर भी जब आप इस गाड़ी को 2-4 दिन यूज़ करते हैं तो इसकी आदत आपको पड़ जाती है, आपको प्रॉब्लम जो है वो आएगी नहीं। अब जो है मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ। तो अब आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे जो है आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स इधर की तरफ मिलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह मिलते हैं और इधर वॉशर एंड वाइपर्स के कंट्रोल्स जो हैं वो मिलते हैं। निसान का जो लोगो है वो बीच में यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बता देता हूँ। तो ये काफ़ी इजी टू रीड है। यहाँ पे आपको RPM मीटर मिलता है, यहाँ पे फ्यूल मीटर मिल जाता है, इधर जो है डिजिटल स्पीडोमीटर और उधर आपको माइलेज वगैरह कितना मिल रहा है वो सब चीज़ें, और वो कंट्रोल करने के लिए यहाँ से आपको ये प्रेस करना पड़ेगा। टेम्परेचर, ऑडोमीटर, माइलेज कितना मिल रहा है। तो अभी मैं सिटी ट्रैफिक वगैरह में चला रहा था, हाईवे पे थोड़ा सा क्रूज़ करके इसको टेस्ट कर रहा था तो 10.1 KMPL का मिल रहा है। अदरवाइज़ इसके अंदर 14 KMPL के आसपास जो है वो माइलेज ऑन एन एवरेज जो है 14-15 KMPL आ जाता है, कोई दिक्कत जो है वो आती नहीं है। तो पेट्रोल इंजन है और काफ़ी रिफाइन है, स्मूथ है, उसकी बात अपन आगे करेंगे। अभी जो है सेंटर कंसोल देखते हुए चलते हैं। तो ये जो है ऑडियो वगैरह इसका काफ़ी मतलब बोल सकते हैं ना कि डिसेंट है, ना ज़्यादा अच्छा है और ना ज़्यादा ख़राब है। जो प्राइस आप पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी सही दिया हुआ है और जो इसका टच रिस्पॉन्स है वो भी सही है। मतलब ज़्यादा आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि लैग वगैरह कहीं फील हो रहा है। और यहाँ पर सारी ये स्विचेस दिए गए हैं, ये बहुत अच्छा कर रहा है। खास करके वॉल्यूम रॉकर यहाँ पर मिल जाता है। ओके, तो रेडियो वगैरह जो है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पे इसके अंदर आपको मिलते हैं। तो ये सभी बातें हैं, इसी को बंद कर देता हूँ अदरवाइज साउंड आएगा। कैमरे का स्विच यहाँ पर दिया हुआ है और कैसा आपको जो है कैमरे का मतलब ये ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो है सेट करना है तो वो भी आप यहीं से जो है वो सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये यहीं से करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा करना टफ है। नीचे आपको ये हज़ार्ड स्विच और लॉक अनलॉक का बटन, यहीं से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करेंगे। नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है और यहीं पे इसके सारे मैनुअल कंट्रोल्स भी मिलते हैं। और साथ ही ये 12 वॉट का पावर आउटलेट और USB पोर्ट, ऑक्स पोर्ट एंड ये थोड़ा बहुत एरिया यहाँ पर मिलता है कंपार्टमेंट जिसमें मैंने मेरा GoPro और हेड माउंट रखा हुआ है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, बीच में ये जो है हैंड ब्रेक यहाँ पर मिलता है और जो आर्म रेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है। तो जो ये है इसको एक्सेस करने में थोड़ा सा मतलब ऐसे ये प्रॉब्लम जो है वो आती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सीट जो है देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है, सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है आपकी जो मतलब जैसे हेल्थ वगैरह थोड़ी ज़्यादा भी है तो भी आप आराम से यहाँ पर फिट जो है वो हो पाएंगे। हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल यहाँ पर मिल जाते हैं। ग्लव बॉक्स जो है इतना ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं मिलता है, नॉर्मल साइज़ का ग्लव बॉक्स मिलता है बट वो अगेन लीट अप है, मतलब यहाँ पे आपको लाइट जो है वो मिल जाती है। मैन्युअली कंट्रोल जो है IRVM मिलता है, ऊपर सन शेड जिसमें आपको जो है यहाँ पर भी ग्लास मिलता है वैनिटी मिरर और इधर जो है अगेन वैनिटी मिरर मिलता है। यहाँ पर ये लाइट दी हुई है जिसको आप मैन्युअली एक को अलग अलग को ऐसे साथ में कंट्रोल कर सकते हैं। पैसेंजर एयरबैग की जो लाइट वगैरह वो यहाँ पर आपको आ जाती है। यहाँ पर स्पीकर और जो है माइक दिया हुआ है, दैट्स ऑल। डैशबोर्ड की क्वालिटी देख सकते हैं, हार्ड प्लास्टिक ही आपको सभी जगह मिलता है बट ये जो हार्ड प्लास्टिक है उसका मटेरियल जो है वो काइंड ऑफ काफ़ी अच्छा है। ए पिलर पर यहाँ पर ट्विटर्स जो हैं वो प्लेस किए हुए हैं। तो ये है ऑल न्यू 2020 निसान किक्स 1.3 लीटर टर्बो। अब इसको चला के देखते हैं कि ये चलाने में कैसी है। तो गाइस चलते हैं और चला के देखते हैं दी ऑल न्यू 2020 निसान किक्स टर्बो 1.3 लीटर को और ये चलने में कैसी है वो सभी चीज़ें जानते हैं। अभी स्टार्ट करा है मैंने क्रीप फंक्शन को यूज़ करके, तो देख सकते हैं जो गाड़ी है वो फर्स्ट गियर में चल रही है और स्पीड जो है वो 11 km/h के आसपास है। अब पिक करते हैं एंड ये जो विसल आप सुनते हो ये मज़ा आ जाता है। लाइक बोल सकते हैं ना कि वन ऑफ द बेस्ट इंजन है इस सेगमेंट में। अगर टर्बो चार्ज इंजन आप चाह रहे हैं परचेस करने का पेट्रोल इंजन में तो ये इंजन जो है वो बेस्ट है। यहाँ पे गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर भी आता है और वो आपको बताता रहता है कि आपको गियर शिफ्ट करना है।
सबसे पहले बात करते हुए चलता हूँ इस गाड़ी की सीटिंग की। तो जो सीटिंग है वो काफ़ी कमांडिंग पोजीशन पे आप बैठते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है जिसकी वजह से जो है वो आप ऊपर की साइड ही रहते हैं, सीट भी जो है वो ऊपर की तरफ प्लेस की गई है, बट फिर भी आपको एक कमांडिंग पोजीशन सेट करने में प्रॉब्लम नहीं आती है चाहे आप किसी भी हाइट के हों। उसके अलावा अब बात करें अगर व्यू की, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू जो है वो यहाँ पर मुझे मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। कहीं पर भी कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है कि यहाँ पर कोई व्यू कम दिख रहा है या पीछे आपको ORVM जो है वो सही से व्यू नहीं दे पा रहा है, वो भी काफ़ी सही जगह प्लेस किया हुआ है। विंड स्क्रीन जो है ये सामने काफ़ी बड़ी दी हुई है इसके अंदर, जो ये ORVM है ये भी काफ़ी सही है, अच्छा व्यू पीछे का दे देते हैं। हाँ, ERVM का मैंने आपको जैसा कि बताया ORVM बोल दिया था, सॉरी उसके लिए। तो ये सभी चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी है। डैशबोर्ड जो है वो आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पर दिख रहा है, बट जो बोनेट है वो अगर आप ऐसे ऊंचे होंगे तो थोड़ा बहुत आपको आगे का दिख जाएगा, पूरा कंप्लीट जो बोनेट है वो नहीं मिलता, बिकॉज स्वैप्ड अप डिज़ाइन जो है उसके अंदर वो दी हुई है। अब बात करते हैं केबिन इंसुलेशन की, तो देख सकते हैं फिफ्थ गियर में हूँ, अराउंड 1800 RPM 70 की स्पीड के आसपास मैं क्रूज़ कर रहा हूँ। पिन ड्रॉप साइलेंस है केबिन में, बिल्कुल भी जो है इंजन की नॉइज़ ज़्यादा आती नहीं है, हल्की से आपको आएगी। अगेन जो है वो जो सेगमेंट में चला रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर कंपेयर करूँगा तो ये काफ़ी साइलेंट केबिन जो है वो आपको ऑफर करती है। एंड अगर बात की जाए वाइब्रेशंस वगैरह की, तो वो इतने ज़्यादा नहीं आपको फील होते हैं, थोड़ा सा अगर जब आप गाड़ी को पिक करते हैं तो स्टेयरिंग पे आपको हल्का सा जो है वाइब्रेशंस वगैरह पिक होता है, वो आपको फील होगा। पावर आउटपुट वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है, ऑलमोस्ट 154 BHP की पावर ही जनरेट करती है, 5500 RPM के आसपास आपको पीक पावर मिल जाती है। टॉर्क की बात करूँ तो 254 Nm का टॉर्क अवेलेबल है, एंड वो चीज़ फील जब होती है चाहे आप जिस भी गियर में हो, जिस भी स्पीड पे एंड सर्टन आप करते हैं, तो आपका जो हेड है वो पीछे चले जाता है, तो पावर जो है वो काफ़ी अच्छी आपको इसके अंदर मिलती है। किसी भी गियर में आप ओवरटेक कर सकते हैं, आपको कहीं पर कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं डायरेक्ट 6th gear लगा रखा है इसका, मैंने आप देख सकते हैं, और कहीं पर जो है वो थोड़ा सा जैसे बोल सकते हैं ना कि 1000 RPM क्या अंदर चले जाती है और गियर जो है वो बड़े डले हुए रहते हैं, तो थोड़ा सा जो है आपको ऐसा लगेगा फील क्या गाड़ी जो है स्लॉटिंग कर रही है, बाकी फिर आप पिक करने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आती। अभी 1400 RPM पे मैं चल रहा हूं और बहुत ही अच्छा रिफाइनमेंट जो है वो मुझे यहां पर फील हो रहा है। एसी की कूलिंग इसकी बहुत अच्छी है। क्लच की अगर बात करें तो काफ़ी शॉर्ट ट्रैवल के साथ में आता है क्लच, और वो आपको बार बार यूज़ भी जो है वो नहीं करना पड़ता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको जो है लगेगा कि गियर आपको चेंज करने पड़ रहे हैं। अगर आप नॉर्मल ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी चला रहे हो, या तो क्रीप फंक्शन का यूज़ करो, या अदरवाइज आप थर्ड गियर के अंदर डाल दो, जहाँ पर आराम से जो है वो गाड़ी पिक करती रहेगी और आपको बार बार गियर जो है वो चेंज नहीं करनी रहेगी। अगर मूविंग ट्रैफिक है तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अगर मैंने बोला है वो, अगर कंटिन्यूसली मूविंग कंडीशन में चल रहा है तो दैट्स ऑल। और बाकी ब्रेकिंग बाइट्स और अच्छी की जा सकती थी, लाइक जितनी पावर है इसके, जितनों परफॉर्मेंस है, जो बॉडी की डिज़ाइन है, वेट वगैरह है, उसके अकॉर्डिंगली ब्रेकिंग और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। इंप्रूवमेंट अभी उसके अंदर थोड़े से होने बाकी है। बाकी जो प्राइस पॉइंट पे ये कंपनी आपको ऑफर कर रही है 1.3 लीटर इंजन, तो क्रेटा से अगर कंपेयर करेंगे तो अराउंड आपको 4-5 लाख रुपए उसमें ज़्यादा देने पड़ेंगे। सेल्टोस में भी सेम वही सीन आपको बन जाता है। एक इसका डायरेक्ट ट्रैवल है, मतलब जो कि निसान की तरफ से ही, मतलब बोल सकते हैं रेनो, एक दोनों एक ही ब्रांड है, तो डस्टर जो है वो यहाँ पर कॉम्पिटिशन में आता है सेम इंजन आउटपुट के साथ में, तो आपको चूज़ करना है आपको डस्टर लेनी है निसान किक्स लेनी है। ऑल द वे गाड़ी वो भी अच्छी है, गाड़ी ये भी अच्छी है, बट ओवरऑल मुझे अगर बात की जाए तो थोड़ा सा जो है लग्जरी फील होता है इसके अंदर। सीटिंग वगैरह अच्छी मिल जाती है, फीचर्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं, अर्गोनॉमिक वाइज जो है गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत जो है वो आती नहीं है, सभी चीज़ें यहाँ पर जैसे रीच में अगर मुझे कुछ टोगल करना है तो वो आराम से जो है वो मैं कर सकता हूँ। बाकी स्टेयरिंग की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा वेट जो है वो रखती है, जो एकदम इलेक्ट्रॉनिकली असिस्ट जो है स्टेयरिंग इसके अंदर नहीं है कि मतलब आपको एकदम से फील होगा कि बहुत लाइट है या बहुत ज़्यादा, मतलब कभी एकदम आर्टिफिशियली वेट आ रहा है। जो एक्चुअल रियल कंडीशन में वेट होता है ना गाड़ी के अंदर जो होना चाहिए, तो वो रियल वेट इसके अंदर लगता है, और ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है। कुछ लोगों को अच्छी लगे, कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, बट फाइनली थोड़ा सा इतना सा भी इधर या उधर करते हैं तो फीडबैक जो है वो आ जाता है, आपको पता चल जाता है गाड़ी किस डायरेक्शन में जो है वो जा रही है। ये सभी बातें हैं, और बेसिकली तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके यहाँ पर बेस्ट सर्विस इसकी मिल रही है, सर्विस पॉइंट अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली जो है निसान किक्स के ऊपर काफ़ी अच्छा ऑफर भी चल रहा है, गाड़ी ले सकते हैं। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलाने में जो है वो गाड़ी अच्छी है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हर गाड़ी में कमी रहती है, कुछ गाड़ियों में अच्छी भी रहती है, तो वही चीज़ सेम सिनेरियो जो है किक्स के साथ में भी है, बट जो रफ़ एंड टफ, जो बोल्डनेस, जो चलाने का मज़ा इसके अंदर मिल रहा है, वो इस प्राइस में आपको दूसरा जो है पेट्रोल टर्बो इंजन किसी और गाड़ी में ऑफर नहीं कर सकता।
तो ये था मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन। अगेन ये अगर मेरे पास में लॉन्ग टर्म के लिए मुझे मिलती है कंपनी से और मैं इसको काफ़ी अच्छा अगर ड्राइव कर पाया तो एक कंप्लीट डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और उसमें आप लोग क्या कुछ जानना पसंद करेंगे वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट हो जाइए ताकि सारे अपडेट्स आप लोगों को मिल जाए और कोई भी अपडेट जो है आप लोग मिस ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ कल ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।